हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी में जो हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी उसका ये लास्ट लेक्चर है बेसिकली। और इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के, और उसमें फिर जो भी हमारा डिसइंफेक्टेंट्स होता है तो उसमें जो भी हमारे जिस मेथड से हम उनके लिए मतलब कि आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट है वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन की यानी कि जो भी माइक्रोबियल ग्रो है उसके लिए वो स्टॉप यानी कि रोक रहा है रोकने में मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम अपने जो है कुछ मेथड का यूज़ करते हैं उसके लिए देखने के लिए, तो उस प्रोडक्ट को चेक करने के लिए। तो वो हमारे दो मेथड थे बेसिकली, उसमें हमारा पहला था मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड एंड दूसरा मेथड था डायरेक्ट इनोकुलेशन। वो बेसिकली यहाँ तक हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। उस वाली वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे आपके लिए हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा नाम है सृजन सिंह। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन माइक्रोबायोलॉजी में। तो इसमें मेथड ये हमारा जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हम जो भी जिस भी प्रोडक्ट का हम जो है आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो हमारा कोई भी हो सकता है, जैसे कि आयल, ऑइंटमेंट, सोल्यूबल पाउडर, लिक्विड प्रोडक्ट एक्सेट्रा, हमारा कोई भी सैंपल हो सकता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं प्रोडक्ट किसी एक प्रोडक्ट का हम अपने सैंपल लेते हैं, तो सैंपल को हम जो है पास कराते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से, जिसका हमारा इस तरह से मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, फिल्टर पेपर नहीं। तो उसमें जो है ये पोर साइज इसका होता है ना, फिल्टर का जो एक जो इसका एक बंद जो मतलब पोर साइज है छेन जिसे बोल सकते हैं, तो इसका जो साइज होता है वो 0.45 माइक्रोमीटर होता है, और ये हमारा फिल्टर मेम्ब्रेन इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ये इधर इस साइड में हम अपना सैंपल के जैसे कि जो भी हमें डायल्यूट की रिक्वायर्ड होगी उसमें हम एसेप्टिक फिल्ट्रेशन लेंगे थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर क्या करेंगे आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद, यानी कि फिल्ट्रेशन कोई प्रोडक्ट हमने कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे और फिल्टर की फिल्टर पेपर जो भी हमारा होगा उसकी हम कटिंग करेंगे फिर टू पार्ट में, यानी कि जो भी हमारा फिल्टर पेपर होगा उसकी हम टू पार्ट में कटिंग करेंगे, जैसे कि आपके लिए हमने इसमें दिखाया है कटिंग कर करके। तो इसमें हमारा कल्चर मीडिया फर्स्ट हो गया, ये कल्चर मीडिया सेकंड हो गया। ठीक है, इसमें इस फिल्टर पेपर के लिए हमने कटिंग किया। ठीक, नेक्स्ट हमने फिर क्या किया, प्लेस ईच पार्ट ऑफ फिल्टर पेपर, यानी कि हर एक फिल्टर पेपर के पार्ट के लिए हमने कल्चर मीडिया में सेपरेटली फॉर डिटेक्ट किया, यानी कि कल्चर मीडिया से हमने उसे डिटेक्ट किया, और एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया और फंगी, और वो कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, उसमें एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है, और बैक्टीरिया फंगी यानी कि फंगी भी हो सकता है। उस कल्चर मीडिया जो भी हमारा था प्रोडक्ट था उसके लिए हमने उस फिल्टर पेपर से डिटेक्ट किया। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करते हैं इससे आगे, फिर हम उसके लिए इनोकुबेट करते हैं, ऑब्जर्व एनी बैक्टीरिया ग्रो, जब तक कि उसमें बैक्टीरिया ग्रो ना हो जाए तब तक के लिए हम उसके लिए इनोकुबेट करते हैं। और इसमें जो कल्चर मीडिया फर्स्ट है उसमें हम फ्लूड थायो ग्लाइकोलेट जो है हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम 32-35 डिग्री सेल्सियस पर 40 डेज के लिए रखते हैं। नेक्स्ट सोयाबीन कैसेन जो हमारा होता है उस अगर हम सोयाबीन कैसेन रखेंगे कल्चर मीडिया सेकंड में, तो उसके लिए हम 22-26 डिग्री सेल्सियस पर हम रखते हैं, उसके लिए हम 14 दिन के लिए उसके लिए भी रखते हैं। नेक्स्ट हम फिर क्या करते हैं, इफ माइक्रोबियल ग्रोथ वॉस एब्जॉर्ब द सैंपल फेल इन स्टेरिलिटी टेस्टिंग, यानी कि अब हमारा जो माइक्रोबियल की जो ग्रोथ होगी वो यदि हो गई तो हमारा जो सैंपल होगा स्टेरिलिटी टेस्टिंग, यानी जिस भी प्रोडक्ट का हमने आइडेंटिफिकेशन किया तो वो हमारा सैंपल यानी कि ठीक नहीं है, वो एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट नहीं है, प्योर नहीं है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, और अगर उसमें माइक्रोबियल बैक्टीरिया कोई भी ग्रो नहीं करे तो वो हमारा प्रोडक्ट है वो प्योर है। ठीक, इस चीज के लिए हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में मेथड था वो है मेथड डायरेक्ट इनोकुलेशन। डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड बेसिकली क्या होता है, इसमें जो भी हम प्रोडक्ट डायरेक्ट इनोकुलेशन में हम जो भी कर सकते हैं उस जैसे कि हमारा एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, ऑयली सॉल्यूबल हो सकता है प्रोडक्ट, और सर्जिकल ड्रेसिंग हो सकता है, और हमारा स्ट्राइल डायरेक्ट एक्सेट्रा हमारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो इसमें हम भाई उसी तरह से सैंपल लेंगे, सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट का ले सकते हैं बेसिकली। तो उसमें हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, कल्चर मीडिया फर्स्ट और कल्चर मीडिया सेकंड। ठीक है, और हम दोनों में अपना उसी तरह से फ्लो फ्लूड थायोग्लाइकोलेट और सोयाबीन कैसिन डालेंगे। नेक्स्ट हम इधर से फिर क्या करेंगे, सैंपल उसी सैंपल का हम डायरेक्ट एडिशन उसमें सैंपल में हम डायरेक्ट ऐड करेंगे क्या, सैंपल इनटू कल्चर मीडिया। ठीक, जिसके लिए सेपरेट करेंगे हम फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया और फंगी के लिए, कोई भी हो सकता है,
जैसे कि फिर उसके लिए हम इनोकुलेट करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे एनी बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। फिर हम उसके लिए इनोकुलेट यानी कि रख देंगे और ऑब्जर्व हमारे लिए कोई बैक्टीरिया होगा, जो भी हमारे लिए बैक्टीरिया ऑब्जर्व होगा वो अभी आगे देखते हैं क्या होता है फिर। और यदि हम कल्चर मीडिया फर्स्ट में फ्लूड थायोग्लाइकोलेट लेंगे तो उसके लिए 30-35 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे 14 डेज के लिए। और सोयाबीन कैसिल लेंगे कल्चर मीडिया सेकंड में तो हम उसके लिए रखेंगे 20-25 डिग्री सेल्सियस और उसके लिए भी हम 14 डेज के लिए रखेंगे। नेक्स्ट हम फिर क्या करेंगे, फिर दोनों इन सबका हमारी प्रोसेस यहां तक हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ माइक्रोबियल ग्रोथ वॉज ऑब्जर्व यानी कि जब हमारी यदि अब जब हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ ऑब्जर्व होगी यानी कि किसी कोई भी माइक्रोबियल हमारा उसमें ग्रो करेगा तो जो भी हमारा सैंपल होगा जिसका हमने टेस्ट किया आइडेंटिफिकेशन किया जिस सैंपल का तो वो हमारा स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए फेल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में एक पॉइंट बचा हुआ है जो कि जैसे कि इफ माइक्रोबियल ग्रोथ यानी कि यदि माइक्रोबियल की ग्रोथ नहीं होगी तो जो हमारा सैंपल होगा वो पास हो जाएगा स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए एंड द सैंपल इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया यानी कि वो हमारा सैंपल जो भी होगा वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के लिए यानी कि प्योर है और उसके लिए इनफ है और वो हमारा सैंपल जो भी प्रोडक्ट है वो प्योर है। तो बेसिकली आप लोगों को इस वीडियो में यही बताना था, कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और इसी माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो गई, ये हमारा लास्ट लेक्चर था और हम मिलेंगे आपके लिए यूनिट 4 में इंट्रोडक्शन के साथ जो कि माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 4 होगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।